आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। रीवा शहर के इंदिरा नगर में स्कीम नंबर 8 की भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने ढहा दिया है। कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस अवैध कब्जे को लेकर कई बार प्रशासन व नगर निगम में शिकायत की गई थी, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद प्रशासन की निगरानी में नगर निगम प्रशासन के द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यह पूरी कार्रवाई नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला की निगरानी में की गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम प्रशासन सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह ने बताया कि इंदिरा नगर में 5 लोगों ने मिलकर 4000 स्क्वायर मीटर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जहां भवन निर्माण करके कई मकान किराए पर दिए गए थे। प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी जब भूमि को खाली नहीं किया गया तो आज नियत समय के बाद प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। ये वार्ड क्रमांक 11 की योजना क्रमांक 8 की जमीन है। इस पे 5 लोग काबिज थे, जहाँ विगत कई वर्षों से काबिज है, जिनको हटाया जा रहा है। इस पे लगभग जो है 40 डिसमिल जमीन जो है खाली कराई जा रही है, जिसमें 5-6 मकान बने हुए हैं टेम्परेरी मकान, जिनको तोड़ा जा रहा है। हाँ, इनको नोटिस जारी की गई थी, पहले भी नोटिस जारी की गई थी, परसों भी जारी की गई थी। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।